हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके टैब के अंदर ना ही साइड की चल रही है, ना ही आपके टैब के अंदर मोड्स हैं, रूटीन है, एंड आपके टैब में कहीं से भी सेटिंग ओपन नहीं हो रही है, ना ही आपका सर्च वगैरह कहीं किसी का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है और आपका टैब अपडेट है, तो कैसे आप अपने गवर्नमेंट टैब के अंदर यूट्यूब या फिर किसी भी ऐप को चला सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों वीडियो, और इस वाली वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस लगने वाला है, क्योंकि ये वाली ट्रिक आपकी एक बार में वर्क नहीं करने वाली है, आपको कम से कम 10 या 15 बार भी ट्राई करना पड़ सकता है। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने इस वाली ट्रिक को कितनी बार ट्राई किया है, तो आप बिल्कुल पेशेंस के साथ इस वाली ट्रिक को करना एंड कोई भी गलती मत करना, वरना आपका टैब खराब हो जाएगा। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है एंड उसमें मैंने ट्रिक सही बताई है, मेरा टैब भी चल गया एंड बहुत सारे आईओ का भी चल गया, लेकिन काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं कि मेरा सैमसंग गैलेक्सी पर स्टॉक हो गया है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप वीडियो को नहीं देखते हैं एंड आप जल्दी करते हैं, बीच में यहाँ पर कोई गलत बटन को प्रेस कर देते हैं, तब जाके आपके टैब के अंदर ये वाली प्रॉब्लम आती है। एंड ये वाली प्रॉब्लम मैं खुद भी नहीं ठीक कर सकता, इन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको मोबाइल शॉप पर ही जाना पड़ेगा। तो कृपया करके यहाँ पर ध्यान से इस वाले ट्रिक को देख लेना, जिससे कि आपका ये यूट्यूब वगैरह ये सही चल जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ओके, अगर ये ट्रिक वर्क करता है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट भी कर देना। चलिए दोस्तों बिना किस देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस वाले टैब के अंदर मैं आपको यहाँ पर सेटिंग ओपन करके दिखा देता हूँ। इसी वाले टैब के अंदर हम यहाँ पर मोड्स एंड रूटीन को लगाने वाले हैं। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर चला गया वाईफाई में एंड यहाँ से हमें एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ से मैं आपको वाईफाई ऑन एंड ऑफ हिस्ट्री में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी ऐप इसके अंदर नहीं है एंड अब मैं आपको लाइव रूफ इसके अंदर यहाँ पर मोड्स एंड रूटीन को ऐड करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इसके अंदर और भी यहाँ पर जो भी सेटिंग वगैरह होती है वो है या नहीं। आप देख सकते हैं साइड की भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं दो बार अगर उसको प्रेस करता हूँ तो साइड की भी ओपन नहीं हो रही है एंड डिस्प्ले में आप देख सकते हैं बिल्कुल ही न्यू टैबलेट है। यहाँ पर सेटिंग कोई सी भी ऑन नहीं हो रही है, मतलब कि यहाँ पर ब्राइटनेस ऑन वगैरह करने का भी कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, बिल्कुल न्यू टैब है। एंड वर्जन इसका मुझे नहीं पता, मतलब कि इसके अंदर 11 या 12 ही वर्जन होगा शायद, क्योंकि ये टैब ज़्यादा अपडेटेड वाला नहीं है। तो इसको अभी यहाँ पर हमें सबसे पहले रिस्टार्ट कर लेते हैं। रिस्टार्ट करने के बाद इसके अंदर सबसे पहले हमें इमरजेंसी कॉल को लगाना पड़ेगा एंड जब इसके अंदर इमरजेंसी कॉल लग जाएगी तो हम इसके ऊपर नेविगेशन बार को यहाँ पर ऊपर से ऑन करेंगे एंड उसके अंदर फिर यहाँ पर मोड्स एंड रूटीन को हम लगा सकते हैं। तो भी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिस्टार्ट होने लग रहा है एंड अभी थोड़ी देर के अंदर ये रिस्टार्ट हो जाएगा, तब हम इसके अंदर यहाँ पर जो 3 बार बटन होता है पावर ऑफ वाला, उसको अगर हम 3 बार दबाएंगे तो हमारी इमरजेंसी कॉल लग जाएगी। एंड जैसे ही हमारी इमरजेंसी कॉल लग जाती है उसके बाद ऊपर से हमें स्क्रॉल करना है एंड वहाँ से मोड्स एंड रूटीन हम लगा सकते हैं ईजिली। तो अभी देखते हैं दोस्तों कितनी देर हमें लगने वाली है इसके अंदर। तो एक बार में मुझे भी नहीं पता ये हो जाएगा या नहीं, कितनी बार हमें ट्राई करना पड़ेगा, बाकी देखते हैं कितनी बार ट्राई करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऐसे यहाँ पर आपको दबाना पड़ेगा बटन को एंड एकदम से यहाँ पर आपकी इमरजेंसी कॉल लग जाएगी एंड इमरजेंसी कॉल लगने के बाद आपको यहाँ पर मोड्स एंड रूटीन को आपको ओपन करना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऐसे लगाया और अभी देखते हैं यहाँ पर ओपन होती है या फिर नहीं। हो जा ओपन, हो जा हो जा हो जा गाइस, ये नहीं हुआ दोस्तों। चलो दोबारा से कर लेते हैं हम। यहाँ पर ये अपडेट भी आ गया है, इसलिए मैं कह रहा था ये ज़्यादा अपडेट नहीं। आप देख सकते हैं रिस्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ गया, बट हम अपडेट नहीं करेंगे। मैंने दोबारा से फिर इसको रिस्टार्ट कर दिया है एंड अभी दोबारा से मैं वेट करूँगा। तो इसकी मैं स्पीड थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो पिछली बार की तरह। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दोबारा से फिर इसको प्रेस कर दिया, 3 बार बटन को आपको दबाना पड़ेगा पावर वाले को एंड आपकी इमरजेंसी कॉल लग जाएगी। आप देख सकते हैं अब की बार हमारी इमरजेंसी कॉल लग गई है, उसके बाद यहाँ पर हमारा ऊपर से बार भी ओपन हो चुका है। आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है एंड ऊपर से आपको इसको ओपन करना है। और यार मैंने गलती से डू नॉट डिस्टर्ब पर क्लिक कर दिया एकदम से जल्दी जल्दी, मुझे ये नहीं पता चला कि उसको ओपन क्या करना है और मैंने डू नॉट डिस्टर्ब वाला जो ओपन ऑप्शन होता है ना उस पर क्लिक कर दिया, क्योंकि मैं यहीं से सेटिंग ओपन करता था तो मेरे यही आता, बट सॉरी अबे दोबारा से करना पड़ेगा सिर्फ इसी वजह से। तो भी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 3री बार हमारा ओपन हो चुका है एंड अब मैंने दोबारा से फिर इसके अंदर ये प्रेस कर दिया बटन एंड ओपन तो हो चुका है हमारा यहाँ पर नेविगेशन बार, बट देखते हैं यहाँ पर इमरजेंसी कॉल लगी है या फिर नहीं। और इमरजेंसी कॉल लगी है गाइज एंड अब मैंने डबल क्लिक कर दिया है और ऊपर से मैं इसके यहाँ पर नेविगेशन बार को ओपन कर लेता हूँ। बीच में अपडेट हो रहा था यार, ये ओपन ही नहीं हो रहा यार ये अब की बार। तो 3-4 बार तो मैंने क्लिक कर लिया इसके पास
नहीं गाइस, अब की बार ये ओपन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। ये जब तक आपकी कॉल नहीं उठाते ना, जैसे कि आपने इमरजेंसी कॉल लगाई और आपकी जब तक कॉल नहीं उठ जाती, तब तक आप ये नेविगेशन बार को ऊपर से यहाँ पर स्क्रॉल नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पर दोबारा से फिर इसको रिस्टार्ट कर दिया है, एंड शायद अब की बार हमारा हो जाएगा शायद। और ये हो गया गाइस, हो गया, इमरजेंसी कॉल तो लग गई है, एंड ये नेविगेशन बार भी शायद ऑन हो गया है। वाइट स्क्रीन आ गई, यहाँ से हमें साइड में स्क्रॉल करना है, एंड मोड्स पर आपको प्रेस करके रखना है, तो आपके सामने मोड्स की सेटिंग यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। एंड यहाँ पर अब मुझे ये नहीं, भूल गया यार मैं कि मोड्स कैसे लगाते हैं। इतनी बार ये मैंने ट्राई कर लिया, वीडियो में तो आपको लगेगा कि मैंने 3-4 बार ही ट्राई किया, बट यहाँ पर वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी बन गई थी, मुझे खुद भी नहीं पता मैंने कितनी बार इसको ट्राई किया है। और अभी मोड्स कहाँ से लगता है मैं ये भी भूल गया यार, और पता नहीं कितने उस टाइम तक ये रहने वाला है, एकदम से कहीं यहाँ पर दोबारा से फिर ई अधिगम वाला वो वही पेज ना आ जाए। तो यहाँ से ये लो गाइस, यार ये मस्त इतना मुश्किल है तो ओपन हो गया दोबारा तो फिर हो गया। चलो कोई नहीं, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मैंने दोबारा से ओपन कर लिया है, एंड अब की बार भी इमरजेंसी कॉल लग चुकी है बिल्कुल सही तरीके से, एंड ये आप देख सकते हैं। और अब की बार मुझे पूरा यहाँ पर भरोसा है कि अब की बार मैं कर ही लूँगा। आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर किया डबल क्लिक, और अब डबल क्लिक नहीं हो रहा यार, हो जाओ अब की बार प्लीज़ प्लीज़ यार एक घंटा खराब कर दिया था ना, हो जाओ जाओ जाओ। पर ये आप देख सकते हैं मैंने मोड्स वाले ऑप्शन को ओपन तो कर लिया है, एंड यहाँ से आपको नीचे में रूटीन्स पर क्लिक करना है, मोड्स के नीचे रूटीन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना, एंड यहाँ से ऊपर में आपको प्लस पर क्लिक करना है, इफ़ में आपको स्टार्ट मैनुअली सेलेक्ट कर लेना, एंड देन में आपको चले जाना है, एंड यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी में जाना है, और कनेक्टिविटी में आपको वाईफाई को सिलेक्ट कर लेना है और ऑन में डन कर देना, उसके बाद नीचे से सेव करना, सेव करने के बाद यहाँ पर दोबारा से फिर डन कर देना। तो अभी आप देख सकते हैं ये लग तो गया है शायद, एकदम से खटर भी आ गया, लेकिन पता नहीं लगा या फिर नहीं, हम चेक कर लेते हैं। ये हाँ गाइस लग गया है, बब गया था एक घंटा खराब करने के बाद दोस्तों हमारा ये लग गया। एंड अभी मैं सबसे पहले यहाँ पर अगर हमारा वाईफाई ऑन है तो उसको मैं ऑफ़ करना पड़ेगा तभी ये वर्क करेगा, तो मैं एक बार वाईफाई को वहाँ से ऑफ़ कर लेता हूँ। तो ये मैंने वाईफाई को यहाँ से बंद कर दिया, एंड अब हम मोड्स को ऑन करेंगे तभी हमारा वाईफाई ऑन एंड ऑफ हिस्ट्री में वाईफाई आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये मैंने इनेबल कर दिया है, एंड अब हम चलते हैं वाईफाई ऑन एंड ऑफ हिस्ट्री में। ये रहे वाईफाई, और ये वाईफाई ऑन एंड ऑफ हिस्ट्री में आ गए हम, और ये देख सकते हैं आप मोड्स एंड रूटीन यहाँ पर ऐड हो चुका है, एंड टाइम आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, अभी टाइम हुआ है 2:27, एंड ये भी 2:27 पर यहाँ पर ऐड हुआ है। तो अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से हम सेटिंग को ओपन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं मोड्स एंड रूटीन पर मैंने क्लिक कर दिया, एंड कई बार कह रहे थे कि हमारा मोड्स एंड रूटीन पर क्लिक नहीं हो रहा, तो भाई आप अपने टैब को एक बार रिस्टार्ट करके देख लेना, क्लिक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड अभी मैं यहाँ पर सेटिंग को ओपन करने वाला हूँ, वहाँ से वो न्यू आई होम में जो सर्च का ऑप्शन आता है ना, वो इसमें आ रहा है, क्योंकि ये वाला टैब ज़्यादा अपडेट नहीं है। तो यहाँ से इसकी नोटिफिकेशन पर क्लिक करके, एंड यहाँ से हम सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। एंड अगर आप में यहाँ पर सर्च वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है ये वाला, तो आप मेरी पहले वाली ट्रिक को देख लेना, उसमें मैंने क्विक शेयर के अंदर से भी यहाँ पर सेटिंग कैसे ओपन कर सकते हैं आप। वहाँ पर रिमूव एनिमेशन पर आपको क्लिक करना है, फिर वहाँ से बैक करना है, तो आपकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो आप उस वाली ट्रिक को भी देख लेना, वहाँ से भी आपका चल जाएगा। एंड अभी आप जैसे सेटिंग के अंदर ओपन करके यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करना, फिर आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा, नीचे से आपको यहाँ पर कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक कर देना है, नीचे से कैप्चा आएगा, इस पर आपको प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक कर देना, एंड यहाँ से तो आपको सभी को पता ही होगा कि 900 पर क्लिक करना है, एंड यहाँ से आप इजीली गूगल वगैरह जो कुछ भी आप चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। एंड अगर आपका टैब ज़्यादा अपडेट नहीं है, तो आप इस ट्रिक को अपनाने के बाद अपने टैब को यहाँ पर सेटिंग ओपन करने के बाद और उसको नॉर्मल भी कर सकते हैं। नॉर्मल कैसे करना है उसकी वीडियो यहाँ पर आपको आई के बटन पर और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो ये थी दोस्तों वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट में बता देना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।